जी बिल्कुल, इस वक्त मैं प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूं और आज ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से जो यहां पर है औरत मार्च मनाया जा रहा है और सैकड़ों की तादाद में यहां पर ख़वातीन मौजूद हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी के निज़ाम की बात की जाए तो यहां पर सिक्योरिटी का निज़ाम भी काफ़ी बेहतर है। सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर जो है पुलिस अहलकार मौजूद हैं। डिप्टी कमिश्नर उमर शेर चिट्ठा साहब यहाँ पर खुद मौजूद हैं और इंतजाम को देख रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो औरत मार्च है, जो यहाँ पर ख़वातीन हैं, वो मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के नारे लगाते हुए नज़र आ रही हैं। उन्होंने हाथों में पंपलेट भी उठा रखे हैं जिस पर दीकर मुख्तलिफ़ किस्म की लाइन्स वगैरह भी लिखी हुई हैं, जिसमें कि सर फहरिस्त है मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। इस हवाले से जो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि वो आज के औरत मार्च के हवाले से उन्होंने क्या क्या इंतजाम किए हैं और किस तरह से वो इसको सारे चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं। ट्रैफिक का इंतज़ाम, इनकी सिक्योरिटी का इंतज़ाम हम अच्छे तरीके से कर सकें। प्रेस क्लब पे बहुत से लोग रोज़ एहतजाज करने आते हैं, हम सबको सेफ सिक्योर एनवायरनमेंट देते हैं। हमेशा औरत बहुत ज़्यादा कम कर दी है, शहर च की, लाहौर च की, पिंडा च कर दी, लेकिन हमेशा उन्हें इग्नोर किया जाता है। जिसने वक्त आंदा ना उन्होंने पीछे कर देते, मर्द अगे हो जाता है। औरत बराबर का साथ दे दी, मर्द वो घर का भी कर दी, बाहर का कर दी, बच्चों का सारी लुक आफ्टर कर दी, कितों तक औरत पिछे। लेकिन वो बावजूद साड़ा माशरा जड़ा ना औरत को मधोलता पाया वे, छोटी बच्चिया ना रेप होंगे पे ने, जबरी शादियाँ होंदिया पे, की जुलम जड़ा औरत दे नाल नहीं होंदा पे। एक छोटी जी बच्ची पैदा हुई है, बाप ने उन्हें की कहते हैं मार सुटिया। देखिए, खवातीन का ये जो आलमी दिन है, ये पूरी दुनिया में जो खवातीन हैं जिन्होंने अपने राइट्स के लिए जिद्दोजहद की, उनके राइट्स के जो उनकी जो एफर्ट थी उसको रिकग्नाइज़ करने के लिए, उसको एक्नॉलेज करने के लिए हम लोग इसको मनाते हैं। और इसे हमारा मकसद ये भी है कि हम लोगों को ये पैगाम दे सकें कि ख़वातीन भी इंसान हैं और कहीं पे अगर उनके राइट्स की वायलेशन है तो बेसिकली इंसानियत की वायलेशन है और इंसानियत के राइट्स की वायलेशन है।